एक साल हो गया है उड़ीसा आए हुए। फरवरी के महीने में 2023 में मैं उड़ीसा में आया था, और उड़ीसा मेरे लिए नया है क्योंकि पहली बार मैं ईस्ट में आया हूँ। बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज़ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना हमने मेंटेन किया हुआ है, जो ग्रीनरी है यहाँ पे, वो हमें और इंडिया के किसी पार्ट में नहीं मिलती है। तो ये मेरे को और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इकोनॉमी बहुत बड़ा वर्ड है, और हमने आज की जो डिस्कशंस हैं उसमें देखा है कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री इकोनॉमी में, बिकॉज दिस ट्रैवलिंग विल नेवर स्टॉप। जैसे बिजनेस के लिए हो या लीजर के लिए हो, दिस ट्रैवलिंग ऑफ आर गेस्ट विल नेवर स्टॉप। एंड आई थिंक ओडिशा, इफ आई हैव टू सी दिस एज अ सब्जेक्ट, ये ओडिशा इज़ वन स्टेट विच इज़ स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। ये अभी घूमा नहीं गया, देखा नहीं गया। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में परिक्रमा का, जगन्नाथ जी मंदिर में परिक्रमा का उद्घाटन किया। उसके बाद हम सब ने फील किया कि जो टूरिज्म है पुरी में और भुवनेश्वर में, रिलीजियस टूरिज्म, वो इंक्रीज़ हो गया। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं अभी उड़ीसा के सारे रूरल एरियाज़ में नहीं घूमा हूँ, मैंने नहीं देखे हैं, बट टू अंडरस्टैंड दैट टूरिज़्म का रूरल एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। स्ट्रेट दो चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है कि हमारा जो उड़ीसा है, हमारा स्टेट है, वो उसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड होती है। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स वहाँ पे उड़ीसा से आज आप देखिए कितने वर्कफोर्स इंडिया में और वर्ल्ड ओवर बाहर जाके जॉब ढूंढती है, जिसको आज हम टूरिज्म के माध्यम से उनके रूरल लोकेशन पे, उनके विलेज में ही जॉब दे सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, अभी मैं हाल ही में भितरकनिका गया। भितरकनिका रूरल एरिया है, इट इज़ इन द इंटीरियर्स ऑफ उड़ीसा, गांव है उसके आसपास, बीच है। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विच इज़ फॉर इको टूरिज्म, उसको देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई। और जब मैं उधर स्टाफ से मिला, 70% स्टाफ लोकल गांव का था, सिक्योरिटी भी गांव की थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग गांव के थे, और गांव से, रूरल एरिया से वो एंगेज करके उनको जॉब दी जा रही है, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट किया जा रहा है, उनके लोकेशंस को पॉपुलराइज किया जा रहा है। भितरकनिका इससे पहले कौन जानता था? इको टूरिज्म के माध्यम से आप देखिए कि कितना ज़्यादा नाम हो रहा है कोरापुट का, भितरकनिका का, सिमलीपाल नेशनल पार्क का, और दारिंगबाड़ी का, जो अभी तक हमें पता भी नहीं था। हमें, इफ़ आई कम फ्रॉम आउटसाइड, तो आई वुड से दैट दिल्ली में अगर मेरे को बैठ के ये बताना है कि उड़ीसा क्या है, तो मेरे को भुवनेश्वर पता है, मेरे को कोणार्क पता है, मेरे को पुरी पता है। बट आज गवर्नमेंट के इस माध्यम से, टूरिज्म की इस डेवलपमेंट से, आप देखिए किस किस को क्या क्या पता चलने लग गया है, और रूरल टूरिज्म कितना प्रमोट होने लग गया है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।